घर, वो जगह जो पूरे दिन थकने के बाद शाम को आपको सुकून देती है। तो चलिए मैं आज आपको अपने घर का एक एस्थेटिक लुक दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इस बोरिंग से कॉर्नर को अपलिफ्ट करके इतना सुंदर बना दिया है। ये सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने मीशो और अमेज़ॉन से बजट में ऑर्डर किए हैं, तो चलिए आपको भी दिखा देते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ और कुछ प्रोडक्ट्स का हॉल आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड मेरे चैनल पर आपको होम डेकोर कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई ऑर्डर्ड आर दीज कुशन कवर्स। ये है बोहो कुशन कवर्स। ये सेट ऑफ टू में मुझे रिसीव हुए, आप देख सकते हैं। ये जो कुशन कवर है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी अच्छे फैब्रिक में रिसीव हुए हैं। बोहो प्रिंट इस पर बना हुआ है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो ये मुझे साइज़ करता है 12x18 इंचेस। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर प्रिंट में है। ये है इसका फर्स्ट प्रिंट जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा है। देखिए अगर मैं इसकी पिक्चर की बात करूँ तो वो आप साइड में देख पा रहे होंगे। एंड ये ट्रू टू पिक्चर है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया था वैसा ही है। पीछे से इसमें इस तरीके का एक चेन है जो आप इजीली ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगी। सो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड साथ ही साथ बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये है सेकंड क्वेश्चन कवर। ये सिर्फ क्वेश्चन कवर्स मिलते हैं, क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इसके साथ। इस क्वेश्चन कवर की अगर मैं बात करूँ तो काफी ज्यादा सुंदर है। ये भी बोहो प्रिंट में, ये दोनों सेट ऑफ टू में मुझे कॉस्ट किए हैं 349 rupees, विच इज़ अ ग्रेट डील। अगर आप भी चाहें तो आप इन्हें बाय कर सकते हैं बहुत इजीली और ये काफ़ी अच्छे से आपके लिविंग रूम के एस्थेटिक्स को अपलिफ्ट कर देते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। सो द सेकेंड प्रोडक्ट दैट आई ऑर्डर्ड आर दिस कुशन कवर। आप देख सकते हैं ये भी विदाउट कुशन आता है बट इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये भी 12x18 इंचज में आता है, मैंने ऑलरेडी कुशन पर लगा दिया है। काफ़ी वाइब्रेंट पिंक कलर का है और इसकी पैकेजिंग में आपको साइड में एक वीडियो दिखा देती हूँ। इतनी अच्छी पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ था। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए इसका कपड़ा ना उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा फाइन और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैंने ऑलरेडी कुशन लगा लिया है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर प्रिंट है। ये एलिफेंट बांधनी प्रिंट में आता है जिसमें आगे आपको दो एलिफेंट्स बने हुए दिख रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है जिसमें आपको पिंक, ग्रीन, वाइट एंड येलो देखने को मिल जाता है। ये भी 12x18 है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू दीज कुशन्स। ये मुझे 349 में दो कॉस्ट किए थे, हाउएवर ये मुझे 299 में सिंगल आया है। ये भी विदाउट कुशन था, ओनली कवर आपको इतने का कॉस्ट करता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट एज इट इज़ एक्सपेंसिव तो इसकी क्वालिटी भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो आप देख सकते हैं इसको पास से इसका लुक कैसा लग रहा है एंड आपको फाइनल लुक भी देखने को मिल जाएगा। थर्ड प्रोडक्ट दैट आई ऑर्डर्ड इज दिस। ये है एक डाइनिंग टेबल कवर जो कि राउंड शेप में है बट अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप इस कपड़े को देखें और इसको देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा फेडेड लगता है। मैंने अपने डाइनिंग टेबल के लिए इसे मंगाया था बट मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक भी ओके है क्योंकि प्राइस मैंने इसका पे किया है 640 rupees। हाउएवर 640 में इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार है। यही अगर मैं मीशो से या कोई और उसका ऑर्डर करती तो शायद इससे बेटर क्वालिटी में आ जाता। बट अगर मैं इसके फाइनल लुक की बात करूँ तो ठीक ठाक है बट नॉट सो गुड। अगर आप 600 पे कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलना चाहिए। इसका भी फाइनल लुक आप आगे देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अब बारी आती है मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि है ये बोहो कवर। ये है एक टेबल रनर जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये मुझे कॉस्ट किया है 439 फ्रॉम द अमेज़ॉन विच इज़ इन अ वेरी गुड क्वालिटी। आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन है ब्राउन, वाइट एंड इसमें इस तरीके के टैसल्स हैं। एंड आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ना अपना मीशो का एक हॉल दिखाया था उसमें भी मैंने ऐसा ही एक वो दिखाया था जो मेरा रफ था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था वो। सो ये भी उसी तरीके का है। एंड पिछले वाले अमेज़ॉन हॉल में भी आपने मेरा इसी तरीके का एक टेबल रनर देखा होगा जो येलो कलर में था। वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट था तो आप डेली बेसिस पर नहीं यूज़ कर सकते, तो मैंने थोड़ा सा सटल कलर का ये मंगाया है जो कि आप डेली बेसिस में इजीली यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। अगर मैं इसे आपको पास से दिखाऊं तो देखिए आप डिटेलिंग देख सकते हैं। इसमें ऐसे नीचे टैसल्स हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। इस रग को आप 3 डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो आप इसे इजीली अपने टेबल पर यूज कर सकते हैं एज अ टेबल रनर, जो कि आप आगे वीडियो में देख ही रहे हैं कि मैंने किस तरीके से एज अ टेबल रनर इसे यूज किया है। या फिर आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कैबिनेट है जो मेरे एंट्री वे पर डेकोरेटेड है, आपने काफी ज्यादा मेरी वीडियोस में भी उसे देखा होगा, तो उस पर भी लगकर ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो देखिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया हुआ है और ये कितना ज्यादा एनहेंस कर रहा है इस लुक को। तो आप देख ही सकते हैं ये कितना ज्यादा प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप भी चाहे तो इस टेबल रनर को काफी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड वे, आप अपनी डाइनिंग टेबल पर भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं अगर आपका स्क्वायर डाइनिंग टेबल है। लेकिन मेरा सर्कुलर है, बट मैंने उसमें भी आपको डेकोरेट करके दिखा दिया है कि ये कैसा लग रहा है। सो दीज आर द 3 डिफरेंट लुक्स दैट यू कैन डेकोरेट इन योर होम। तो ये थे मेरे सारे फर्निशिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट। अब बारी आ जाती है फर्नीचर की, जो कि मैंने ऑर्डर करा है अमेज़न से। सो द फर्स्ट फर्नीचर और द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज दिस लैम्प। यू कैन सी दिस लैम्प वाज ऑर्डर्ड। ये जो लैम्प है ये येलो इन कलर है एंड इतना लंबा आपको ये मिल जाता है। अगर मैं बताऊँ तो इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सुंदर क्वालिटी में ये स्टील एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में मिलता है। ये जो टेबल लैम्प है वो इस हाइट का है, आप देख सकते हैं मैं बैठी हूँ तो इस हाइट में ये मुझे रिसीव हुआ है। मैंने इसकी पैकेजिंग ओपन नहीं करी है क्योंकि जहाँ हम रहते हैं यहाँ काफी ज्यादा डस्ट है, तो डस्ट की वजह से इसका खराब होने का डर रहता है। तो बिना पैकेजिंग ओपन करे भी ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये जो लैम्प है इसमें आपको बल्ब नहीं मिलता है, बल्ब आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ता है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे कॉस्ट किया है अप्रॉक्सीमेटली 1100। एंड 1100 के प्राइस में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि मैंने थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट किया था, हाउएवर ये साइज में थोड़ा सा छोटा है। तो चलिए जंप करते हैं इसके फाइनल लुक पे, मैंने इसे कैसे डेकोरेट किया है। तो अब बारी आती है मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है ये टेबल। ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर करी है, मुझे ये कॉस्ट करी है 399 रुपीज़। इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। एंड इस टेबल को किस तरीके से डेकोरेट कर रहा है वो भी मैंने अपने शॉर्ट्स चैनल पर आपको 2 से 3 तरीके से डेकोरेट करके दिखाया है। चलिए बात करते हैं इस टेबल की। ये डिसअसेंबल होकर आती है, आप इजी स्टेप्स में इन तीनों को इजीली असेंबल कर सकते हैं। अगर इसकी हाइट की बात करूँ तो काफी कम है, डू नॉट एक्सपेक्ट। देखिए अगर आप मेरा सोफा देखें तो ये सोफे के भी बराबर नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी नीचे है। बट आप इसे काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप इजीली अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए इस टेबल को यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लगती है। या फिर आप अपने एंट्री वे में या काफी डिफरेंट तरीके से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू द प्राइस। 399 में आपको एक टेबल मिल रहा है जो कि आप बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। इसको बताऊं मैं तो ये काफी ज्यादा स्टर्डी प्रोडक्ट है। बट हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप काफी भारी चीजें इसमें रखें तो नहीं, आप इस पर काफी ज्यादा भारी चीजें नहीं रख सकते क्योंकि ये जो बोर्ड है ये MDF वुड है एंड चांसेस हैं कि ये टूट सकता है अगर इसमें आप काफी ज्यादा वेट रख रहे हैं। तो इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है, लेट्स जंप इनटू द फाइनल लुक। एंड आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। एंड अभी आपने देखा ही होगा कि मैंने अपने वीडियो के बैकग्राउंड में भी इसे यूज किया हुआ था। आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा प्लीजेंटली इस वॉच के साथ सुंदर लग रहा है। एंड ऐसे ही काफी सारे आइडियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, आप मेरे शॉर्ट्स चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने कैसे डिफरेंट वेज में इस टेबल को डेकोरेट किया है। अब बारी आती है मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है ये। आपने ऑलरेडी मेरी वीडियो में देख लिया होगा, ये है एक MDF बोर्ड कटआउट जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये हैंड प्रिंटेड तो नहीं है बट काफी ज्यादा सुंदर है। इसमें एक कोट लिखा हुआ है, लाइफ हैज नो रिवाइंड, एंजॉय एवरी मोमेंट। ये मैंने अपने लिविंग रूम में डेकोरेट करने के लिए ही मंगाया है। मेरे लिविंग रूम में ना थोड़ी सी स्पेस खाली है तो मैंने सोचा वहां पर क्यों ना इसे लगाएं। मैंने प्राइस के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट किया था बट ये उतना बड़ा नहीं आया है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे कॉस्ट किया है 199 रुपीज़। बट 199 में इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा सुंदर है, आप पास से देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। एंड चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो देखिए मैंने इसे डेकोरेट किया है अपने लिविंग रूम के सोफा वॉल पे, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। एंड आप देख सकते हैं इसका प्रिंट कितना ज्यादा सुंदर है पास से। इसमें काफी सारे कलर कॉम्बिनेशन यूज हुए हैं, जैसे कि व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक। एंड ये
सारे ही कलर मिलके काफी ज्यादा अपलिफ्ट कर रहे हैं इसके एस्थेटिक्स को, एंड देन आप मेरे लिविंग रूम में देखें तो ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो इसे डबल टेप से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो इसमें हैंगिंग आपको मिली है आप इस हैंगिंग के थ्रू इसे हैंग कर सकते हैं। मुझे हैंगिंग के थ्रू हैंग नहीं करना था इसलिए मैंने इसे पेस्ट करके लगाया है। तो ये थे वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने ऑर्डर करे हैं अपने लिविंग रूम को डेकोरेट करने के लिए अमेज़ॉन से। कुछ प्रोडक्ट्स इन वीडियोस में आपको देखने को मिले होंगे जिनका रिव्यू आपको नहीं मिला है, वो सारे ही प्रोडक्ट्स मीशो से ऑर्डर किए गए हैं। तो बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पर एक और हॉल देखने को मिलेगा, दैट इज़ फ्रॉम दी मीशो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे और भी होम डेकोर रिलेटेड वीडियोज़ चेक कर सकते हैं, एंड मेरे लिविंग रूम का फाइनल लुक देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बहुत जल्द एक लिविंग रूम मेकओवर भी शेयर कर दूँगी।